नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अखंड बुक्ड। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं दिल्ली के सबसे फेमस वीर जी मलाई चाप वाले। सो लेट्स ओपन दिस। पैकिंग में इनकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, इन्होंने ब्रांडिंग करनी चाहिए, उनका काफी अच्छा ब्रांड है दिल्ली में। तो चलिए ओपन करते हैं इसको। सो चलिए दोस्तों करते हैं इसको ओपन। ये हमें मिली है चाप, एक है इनकी सनी लियोनी चाप और एक है मियाँ खलीफा चाप, बट इस पर टैग नहीं लगा है, जो मैं सबसे बड़ी इनकी कमी भी बताऊंगा कि कम से कम रिकॉग्नाइज कैसे करें हम कि कौन सी मियाँ खलीफा है कौन सी ये है। पर चलो खाकर ही देखते हैं। तो ये दो डब्बे प्लस ये चटनी और प्लस इसमें है रुमाली रोटी। तो चलिए इसको करते हैं ओपन और देखते हैं ये वर्थ इट है या नहीं है, इवन काफ़ी एक्सपेंसिव भी है ये। तो चलो मैं बाद में इसका वीडियो के आखिर में इसका रेट भी बता दूंगा आपको कितने का मेरे को टोटल कॉम्बो पड़ा है। ओहो, देखने में तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, आप देखिए ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसमें क्रीम है और इसके अंदर ये देखिए प्याज है, साथ में शिमला मिर्च भी इन्होंने डाली है। ये देखिए ये शिमला मिर्च का पीस रहा, देखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है ये, हो सकता है काफ़ी अच्छा टेस्ट भी हो इसका, पर चलो मैं खुद ही गैस करूँगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत इस चाप की। काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, देखिए अच्छी तरह से पकी हुई लग रही है। तो चलिए करते हैं विदाउट चटनी करते हैं उसको पहले ट्राई, देखते हैं कैसी है ये। पता नहीं क्यों मेरे को चाप थोड़ी कच्ची लग रही है। मैं वीर जी मलाई चाप बहुत टाइम से खाता आया हूँ, अजवाइन का सबसे ज़्यादा इसमें फ्लेवर रहा मुझे, थोड़ी स्पाइसी है और अजवाइनी है। तो चलिए एक बार इसको चटनी के साथ करते हैं ट्राई और साथ में लेते हैं रुमाली रोटी। तो चलिए दोस्तों ये हमने ले लिए रुमाली रोटी, इसमें डालते हैं थोड़ी चाप। ये देखिए एक चाप का पीस डाल लिया, थोड़ी डाल दी इसके अंदर शिमला मिर्च और अब करते हैं इसको थोड़ा चटनी में डिप। कैसा आता है टेस्ट, देखने में सही लग रही है यार। रुमाली रोटी के साथ तो इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, क्योंकि चटनी मैंने इसमें लगाई तो चटनी में काफ़ी इन्हेंस कर दिया फ्लेवर को, बट इसके अंदर थोड़ा सबसे ज़्यादा फ्लेवर है अजवाइनी है, अच्छी तगड़ी स्पाइसी है ये और थोड़ी ऑयली भी लग रही मुझे। इसको मैं एवरेज ही बोलूँगा, बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा, बट मैं इसको गैस नहीं कर सकता, पता नहीं कौन सी होगी, मियाँ खलीफा होगी या सनी लियोनी होगी, तो ये आप खुद ही देख लीजिए जो भी है। तो चलिए फिर अब कर देते हैं हमने दूसरे वाली की शुरुआत। तो दूसरी चाप आ गई हमारी, ये रही दूसरी चाप, देखने में तो ये भी ये देखिए अलग, दोनों में ये लग रहा कि थोड़ी सी ऑयली लग रही, ये कम ऑयली है, थोड़ी ड्राई है, इसके अंदर शिमला मिर्च नहीं खाली प्याज है और थोड़े इसके पीस भी थोड़े अलग अलग है, ये थोड़ा मीट टाइप का फील आ रहा है इसमें। ये देखिए मैं आपको पीस दिखाता हूँ, ये देखो इसमें थोड़ा जो फील है वो मीट टाइप का है और इसमें जो मसाला है ना वो काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, मतलब मेरीनेशन बड़ा ज़बरदस्त हो रखा है इसमें, मेरीनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऊपर ऊपर से कर रखा है, थोड़ी कच्ची भी लग रही है मेरे को ये, बट हाँ टेस्ट इतना बुरा नहीं है इसका। तो चलिए दोस्तों करते हैं ये दूसरे वाली चाप अपनी स्टार्ट, देखते हैं ये कैसी है, देखने में तो बिल्कुल एकदम मीट की तरह लग रही है ये। तो करते हैं इसको बिना चटनी के एक बार स्टार्ट, देखते हैं कैसी है ये। जैसा कि देखने में लग रहा था काफ़ी ऐसे इसमें मैरिनेशन हो रखी है, फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त है इसका, फ्लेवर इसमें भी इतना बुरा नहीं है, बड़ी थोड़ी कच्ची लगी मुझे और फ्लेवर थोड़ी लेस फ्लेवर है इसके अंदर, स्पाइसी काफ़ी है ये, बट हाँ ये वाली है बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है, मतलब सारी कमियाँ पिछली वाली चाप की भी इन्होंने दूर कर दी, काफ़ी अच्छा फ्लेवर है इसके अंदर, स्मोकी है और मसालेदार है और थोड़ी टैंगी भी है ये। तो चलिए इसको करते हैं एक बार टेस्ट अपना रुमाली रोटी के साथ। तो जी ये आ गई हमारी रुमाली रोटी, तो ये हम एक अच्छा सा पीस उठा लेते हैं और साथ में ये ले लेते हैं चटनी और प्याज। वाओ, ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है चटनी के साथ ये। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको एक बार चटनी के साथ कैसा इसका टेस्ट है। चटनी पूरा टेस्ट को चेंज कर दी है, काफ़ी इन्हेंस करती है टेस्ट को, क्योंकि इसके अंदर मिंट होता है और भी कुछ मसाले हैं तो काफ़ी इन्हेंस करती है, जैसे हम चटनी के डिप करते हैं तो काफ़ी अच्छी है। तो एक्सपीरियंस मेरा ठीक ठीक रहा, बहुत वाव नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि इससे मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ,
इसमें अजवाइन का अच्छा फ्लेवर है, स्पाइसी काफ़ी है, बट मेरे को कच्ची लगी थोड़ी है काफ़ी। हाँ ये काफ़ी अच्छी है जो ये चाप है, बट ये मुझे पता नहीं भाई ये कौन सी सर, ये सन्नी लियोनी है या ये मियाँ खलीफा है, पता नहीं कौन सी है, क्योंकि उन्होंने कुछ उसके ऊपर लगा के नहीं दिया मुझे। तो ये वाली जो है थोड़ी ड्राई है, इसमें इन्होंने खाली प्याज डाला है और ड्राई है काफ़ी, तो अच्छा मैरिनेशन हो रखा है, तो ये तो काफ़ी अच्छी है भाई। इसमें अंदर फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त है, मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त हो रखी है, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। साथ में इन्होंने चटनी दी और 4 रुमाली रोटी मुझे फ्री मिली है इसके साथ। और हाँ जल्द ही हम इनकी एक मेन कोर्स की भी 4-5 डिशेस का रिव्यू करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। मिलता है ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।